पाकिस्ताननं सीमेवर केलेल्या गोळीबारात एका भारतीय जवानाला वीरमरण आलंय. जम्मू काश्मीरच्या केरन सेक्टरमध्ये पाकिस्ताननं पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलंय. यावेळी पाकिस्तानी सैन्याच्या गोळीबारात एक भारतीय जवान शहीद तर 2 ते 3 भारतीय जवान जखमी झाले. गेल्या काही दिवसांपासून सीमेवर पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच आहेत आणि आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झालंय. यात 2 ते 3 भारतीय जवान जखमी झाल्याचं समजतंय तर 1 जवान शहीद झालाय. केरन सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याचा गोळीबार झालेला आहे. यामध्ये 2 ते 3 भारतीय जवान जखमी झालेले आहेत तर एका भारतीय जवानाला वीरमरण प्राप्त झालेलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानकडून केरन सेक्टरमध्ये अशा कुरापती सुरूच आहेत. अखेर पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन पाकिस्तानकडून झालं. आमचे प्रतिनिधी खालिद हुसेन यांच्याकडून आपण अधिक माहिती घेऊया. खालिदजी, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? देखिए, ये सीज फायर वायलेशन हुआ है. इसे फरकियां दी गली कहते हैं, जो केरन सेक्टर में है, सीमावर्ती जिला कुपवारा का. और वहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना नो मैन्स लैंड में घुसकर करीबन 100 मीटर आगे आई और उन्होंने भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की. सने पर फायरिंग हुई है और उसमें 2 भारतीय सेना के जवान जो है उनकी मौत हो गई है, 2 अन्य घायल हुए हैं. इसके साथ ही भारत ने भी रिटेलिएशन किया है सीज फायर वायलेशन का, लेकिन उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है इस इलाके में, क्योंकि जब भी सीज फायर वायलेशन होती है पाकिस्तान की तरफ से तो एक कोशिश रहती है कि इसी आड़ में मिलिटेंटों को इस तरफ धकेला जाए और उस सब को रोकने के लिए अगर कोई मिलिटेंट इस तरफ पुश हुआ है तो उसे न्यूट्रलाइज किया जाए. एक कॉम्बिंग ऑपरेशन भी वहां लॉन्च किया गया है. बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है और भारत ने भी इस सीज फायर वायलेशन का रिटेलिएशन जरूर किया है, लेकिन दुखद बात यह है कि 2 जो सेना के जवान हैं उनकी मौत हो गई है, 2 अन्य घायल हैं. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद जी. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.